अब तक आपने सुना था कि HDFC का मनी बैक क्रेडिट कार्ड होता है, यहाँ लेकिन HDFC ने डेबिट कार्ड भी यहाँ लॉन्च कर दिया है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इसके फीचर्स, बेनिफिट और चार्जेस के बारे में, साथ ही साथ जानेंगे इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कैश बैक या इसके रिवार्ड पॉइंट्स के बारे में। तो आप एवरी 100 स्पेंड पे आपको जो है 1% के यहाँ कैश बैक आपको यहाँ देखने को मिलता है। ये जो 1% का कैश बैक आपको फ्यूल पे, इंश्योरेंस पे, अपैरल्स पे, एजुकेशन एंड ग्रोसरीज, यहाँ तक आपको जो है 1% का कैश बैक आपको देखने को मिलेगा। ये जो 1% का कैश बैक है, आप एक महीने में सिर्फ 250 रुपीज़ का यहाँ कैश बैक अर्न कर सकते हैं, यानी कि 250 रुपीज़ का यहाँ कैपिंग यहाँ रखा गया है। और साथ ही साथ इस कार्ड से अगर आप जो है फर्स्ट ट्रांजेक्शन करते हैं, मिनिमम आपको 500 का ट्रांजेक्शन करना है एंटरटेनमेंट और डाइनिंग के कैटेगरी में, तो यहाँ आपको जो है वाउचर 500 रुपीज़ का भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। इस कार्ड से आपको जो है एडिशनल कैशबैक भी देखने को मिलता है। यहाँ आप नेट बैंकिंग से आप जो है ऑटो बिल पेमेंट्स एनेबल करते हैं, तो आपको जो है फर्स्ट 12 मंथ्स में आपको जो है 5% का यहाँ कैशबैक अप टू 1800 का एक साल में आपको यहाँ देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे 500 का अमेजॉन वाउचर भी मिलेगा। साथ ही साथ इस कार्ड से आप अगर पेजअप और स्मार्ट वाइप के थ्रू आप शॉपिंग करते हैं, तो यहाँ पे भी आपको जो है 5% का यहाँ कैशबैक आपको देखने को मिलेगा। इस कार्ड में आपको जो है नो कॉस्ट EMI भी आपको देखने को मिल जाता है। मिनिमम ट्रांजेक्शन आपको जो है 5000 या इससे ऊपर का आपका ट्रांजेक्शन होना है, तो आप जो है अगर आपको नो कॉस्ट EMI के लिए आप एलिजिबल होंगे। डेफिनेटली आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्टफोन, फर्नीचर, अपैरल्स, तो इन सब में आपको जो है नो कॉस्ट EMI भी आपको देखने को मिल जाएगा, बशर्ते कि आपको जो है यहाँ आपको एलिजिबिलिटी आपको चेक करनी होगी। साथ ही साथ इस कार्ड में आपको जो है पर्सनल एक्सीडेंट का इंश्योरेंस भी आपको देखने को मिलेगा अप टू 10 लाख तक का। तो यहाँ आपको जो है एयर, रोड और रेल एक्सीडेंट में यहाँ आपको जो है पर्सनल एक्सीडेंट का इंश्योरेंस देखने को मिल जाएगा, बशर्ते यहाँ आपको जो है लास्ट 30 डेज में आपको जो है कोई ना कोई ट्रांजेक्शन डेबिट कार्ड से होना चाहिए, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, तभी आप जो है इस जो है इंश्योरेंस को आप क्लेम कर सकते हैं। साथ ही साथ इस कार्ड पे आपको जो है फ्रॉड एक्टिविटी भी आपको जो है जीरो लाइबिलिटी का बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ आपको जो है एज सून एज पॉसिबल आपको बैंक को इन्फॉर्म करना होगा, तभी आपको जीरो लाइबिलिटी का आप बेनिफिट ले पाएंगे। इस कार्ड के साथ आपको जो है 2 लाख का चेक पैकेज का भी इंश्योरेंस आपको इसमें देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे हाउ टू रिडीम द रिवार्ड पॉइंट्स। जो रिवार्ड पॉइंट्स जो भी अर्न करते हैं इस कार्ड का यूज़ करके, यानी कि कार्ड के ट्रांजेक्शन के विदिन 2 डेज जो भी रिवार्ड पॉइंट्स क्रेडिट कर दिए जाते हैं, तो यहाँ पे जो है मिनिमम 250 का रिवार्ड पॉइंट्स होना चाहिए, तभी आप इसको रिडीम कर पाएंगे। तो 250 के मल्टीपल्स में यहाँ आप रिडीम कर सकते हैं, यानी कि 250 रिवार्ड पॉइंट्स, उसके बाद 500 रिवार्ड पॉइंट्स, तभी आप इसको रिडीम कर सकते हैं। यहाँ को ध्यान देना है, ये जो रिवार्ड पॉइंट्स है एक साल में ये एक्सपायर हो जाते हैं, तो डोंट फॉरगेट टू रिडीम बिफोर 12 मंथ्स। बात करेंगे एनुअल चार्जेस की। इस कार्ड का एनुअल चार्जेस 200 प्लस GST यहाँ पे करना होगा, और इस कार्ड का रिप्लेसमेंट चार्जेस भी आपको जो है 200 प्लस GST यहाँ पे करना होता है। अब बात करेंगे ATM और कैश विद्रॉल, इसका लिमिट्स क्या है। यहाँ डेली डोमेस्टिक ATM कैश विद्रॉल की बात करें तो 25,000 रुपया यहाँ डेली आप विद्रॉ कर सकते हैं। डेली डोमेस्टिक शॉपिंग की लिमिट की बात करें तो आप जो है 3 लाख डेली शॉपिंग कर सकते हैं। इस मनी बैक डेबिट कार्ड की खास बात यह है कि जो भी आप स्पेंडिंग करते हैं विदिन 2 डेज ये जो है पॉइंट्स क्रेडिट कर दिए जाते हैं, और ये जो रिवार्ड पॉइंट्स आप नेट बैंकिंग में लॉगिन करके आप यहाँ देख सकते हैं, वहाँ आपको रिफ्लेक्ट कर जाएगा। दूसरा खास बात यह है कि यहाँ इसका एनुअल चार्जेस बहुत ही कम रखा गया है, यानी कि 200 प्लस GST रखा गया है। साथ ही साथ यहाँ फ्यूल के ट्रांजेक्शन में यहाँ को 1% का कैशबैक इस कार्ड पर देखने को मिल रहा है, और साथ में यहाँ पेजअप और स्मार्ट बैंक पे भी आपको जो है शॉपिंग करते हैं उसके थ्रू, तो आपको जो है 5% का रिवार्ड पॉइंट्स आपको देखने को मिल रहा है। तो ये जो डेबिट कार्ड है, डेफिनेटली जो मिलेनिया डेबिट कार्ड है, इसके टक्कर का ही ये डेबिट कार्ड है। हम बात करें कि ये डेबिट कार्ड को हमें अप्लाई कैसे करना है। HDFC डेबिट कार्ड की बात करें तो जब भी आप न्यू अकाउंट ओपन करते हैं तो इसके साथ वेलकम किट के साथ में ही आपको ये जो डेबिट कार्ड आपको सेंड कर दिया जाता है। तो बेसिकली अभी जो फिलहाल जो होता है, जब भी आप न्यू अकाउंट ओपन करते हैं, डिजिटल अकाउंट ओपन करते हैं, तो यहाँ आप जो है आपको मिलेनिया का डेबिट कार्ड आपको डिस्पैच कर दिया जाता है। तो अगर आपके पास कोई भी HDFC बैंक का डेबिट कार्ड, जो एग्जिस्टिंग डेबिट कार्ड है, तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू इस कार्ड को आप अपग्रेड भी यहाँ करा सकते हैं। हो सकता है अपग्रेडेशन के प्रोसेस में आपको जो है जो मनी बैक डेबिट कार्ड है, हो सकता है इसका ऑप्शन यहाँ देखने को नहीं मिल रहा होगा। तो इस कंडीशन में आप जो है आपका होम ब्रांच में विजिट करके वहाँ आप जो है रिक्वेस्ट दे सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि ये हमें मनी बैक डेबिट कार्ड चाहिए, तो वहाँ से आपको रिक्वेस्ट दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे HDFC जो डेबिट कार्ड है उसको अपग्रेडेशन के प्रोसेस में यहाँ आपको जो है सभी डेबिट कार्ड का ऑप्शन आपको नहीं दिया जाता है। यहाँ जो भी आप डेबिट कार्ड के लिए एलिजिबल हैं वही पर्टिकुलर जो है डेबिट कार्ड ही आपको ऑप्शन दिया जाता है, उसी में से ही आप जो है ऑनलाइन इसको नेट बैंक के थ्रू अपग्रेड करा सकते हैं। ये चीज़ HDFC में ये मुझे कमी नज़र आया कि आप अपने मर्जी से कोई भी डेबिट कार्ड को यहाँ अप्लाई या अपग्रेड नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली ऑनलाइन या वेबसाइट के थ्रू।
फ्रेंड्स मेरे हिसाब से ये कार्ड तो बहुत ही अच्छा मुझे कार्ड लगा, डेबिट कार्ड, मनी बैक का डेबिट कार्ड जिस तरह से नाम है, तो इस तरह से आपको जो है यहाँ कैशबैक भी देखने को आपको मिल जाता है। डेफिनेटली ये जो है मिलिया के टक्कर का ये डेबिट कार्ड है। आपको ये डेबिट कार्ड कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके आप जरूर बताना। तो इसी तरह से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और पर्सनल फाइनेंस से वीडियोज़ लाते रहता हूँ। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो अगर अच्छा लगा हो एक लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।